अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नर्सरी से जो पनीरी लाते हैं उसको ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। गर्मियों में अक्सर यही शिकायत रहती है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे मर जाते हैं, एक दो दिन में उसकी तमाम पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में को उसके ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका बताऊँगा। पहले हम ट्रांसप्लांट करने के लिए इसको पूरे रूट बॉल समेत बाहर निकाल के पानी में रख देना है थोड़ी देर कि पानी में अच्छी तरह इसको डिप कर देना है इस तरह। उसके बाद आपने एक एक प्लांट करके इसको इसकी जड़ों समेत ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें आपने इसके साथ ही निकालनी है और इसको ऐसे निकाल के बस ऐसे पानी में थोड़ी देर रख देना है। इस तरह सारे आपने प्लांट को एक एक करके पानी में रख देना है इस तरह। अब हमने सारे प्लांट्स को पानी में डिप कर दिए हैं। अब हमको थोड़ी देर इसको अच्छी तरह पानी में डिप करते रहना है, इसको मिट्टी से थोड़ी देर अलहदा कर देना है इस तरह। ये 10 प्लांट हम इसको भी ट्रांसप्लांट करते हैं इसकी फाइनल लोकेशन पर, जिस स्पेस में हमेशा के लिए रहना है। ये बैंगन की पनीरी, आप हर पनीरी को इसी तरह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आराम से। अब हम इसको फाइनल लोकेशन पर ट्रांसप्लांट करेंगे, सबको एक एक करके इसकी फाइनल लोकेशन पर ट्रांसप्लांट करके इसमें पानी डालेंगे। ट्रांसप्लांट हो गई, अब हम इसमें अच्छी तरह एक पहली दफ़ा दे रहे हैं तो अच्छी तरह पानी दे देंगे। इस तरीके से हम अपने तमाम प्लांट्स को, तमाम प्लांट्स की पनीरियों को, टमाटर की, हरी मिर्च की, सबको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह।